हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूट्यूब ऑनलाइन स्टडी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन है जो आपका चैप्टर, ठीक है, 7 चैप्टर, उसमें इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट फार्मूले लेकर आई हूँ। इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ 15 फार्मूले पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नंबर वाला आपका जो फार्मूला है वो ये है, फर्स्ट नंबर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, देखिए ये होता है गाइस एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लस वन करना है, एन में प्लस वन और यहाँ पर भी एन प्लस वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है जो हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स डी एक्स। तो जहाँ पर ये ए है वहाँ पर ए इस तरफ भी होगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स है, तो इसे कैसे याद रखेंगे गाइस। सबसे पहले देखिए आपको क्या सोचना है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन के सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको याद करना है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन। यानी कि गाइस आपको इंटीग्रेशन जो है आपकी, तो वो सिर्फ डिफरेंशिएशन पर पूरी बेस्ड है, ठीक है। कैसे बेस्ड है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए आपको क्या सोचना है गाइस, के जो वन है, वन जो है, ठीक है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स होगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो डी एक्स। तो यहाँ से आपको सोचना है गाइस कि ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। फिफ्थ नंबर वाला देखिए फिर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स डी एक्स। ई टू द पावर ऑफ एक्स का ई टू द पावर ऑफ एक्स ही होगा। फिर सिक्स नंबर वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। कैसे होगा गाइस, चलिए देखिए, जो वन अपॉन एक्स है इसको आपको इमेजिन क्या करना है, आपको सोचना है गाइस कि वन अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर सेवन्थ नंबर वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे, आपको क्या सोचना है गाइस कि साइन एक्स जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, कॉस एक्स का, ठीक है। कॉस एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर एट्थ नंबर वाला देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। आपको यहाँ पर भी सेम सोचना है गाइस के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, बस। फिर इसके बाद में नाइन्थ नंबर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स। कैसे होगा आपको सोचना है दोस्तों कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर, देखिए आपको सोचना है कि जो सेक स्क्वायर एक्स है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है, तो टेन एक्स का होता है, तो यहाँ पर टेन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स। फिर टेंथ नंबर वाला, इसको थोड़ा भूल जाते हैं, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। और मैंने आपको बताया था गाइस कि जितने भी ये सी से स्टार्ट होते थे आपके डिफरेंशिएशन में, उन सभी में क्या आता था, माइनस, यानी कि गाइस यहाँ पर भी क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। चलिए फिर इलेवेंथ नंबर वाला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसको आप कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपको सोचना है गाइस कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, किसका होता है, सेक एक्स का होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफरेंशिएशन में, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। ट्वेल्थ नंबर वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो आपको ये सोचना है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है कॉसेक एक्स का, और सी से स्टार्ट था ना गाइस, कॉसेक माइनस में आता था ये, तो यहाँ पर भी माइनस में। गाइस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की मैंने एक पहले ही बहुत अच्छा बनाया था वीडियो, तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। फिर थर्टीन नंबर वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो आपको इसमें भी यही सोचना है कि इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये वाला जो है ये पूरा पार्ट, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो ये होता था गाइस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर आएगा। फिर 14 नंबर वाला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें भी सेम सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन होता था, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता था टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर आ जाएगा। 15 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है, तो ये किसका होता है, फिर सेम सोचना है आपको कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है, तो ये होता है sec इनवर्स x का, तो ये इसका आंसर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में टाइम लगता है बट हो जाते हैं याद, ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन के देखिए सभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करेंगे तो उसका आपको साइड में यहाँ पर जो ये है ना इंटीग्रेशन वाला साइन, जैसे ये हो गया ज़ीरो हो गया, e टू द पावर ऑफ x हो गया, x का वन कॉन्स्टेंट का ज़ीरो, e टू द पावर ऑफ x का e टू द पावर ऑफ x, ये सभी डिफरेंशिएशन के यहाँ पर आंसर लिखे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही में छोटी सी घंटी है बेल आइकन उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, और इसका इसकी जो पीडीएफ है गाइस वो आप, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ इसकी, ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए गाइस, स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।